हेलो व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये हमें मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बनाऊंगी। इसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी क्वांटिटीज़ को लाइक 2 times 3, ये तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 times 10 है, 20 का टेबल है, 20 के टेबल तक तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े नंबर्स आते हैं, लाइक आपके पास नंबर आ गए 68 times 65, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके पास आ गया 90 times 30 तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ, आप बगैर कैलकुलेटर के विद इन 30 seconds इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक नंबर्स हमारे पास हैं 98 है, ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है कोई सा नंबर ले लें 84 से, ठीक है। 84 और 98 का मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लाई करते रहें, वैसे तो आपसे ओरली तो होगा नहीं जब तक कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, उसमें आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेंगे। 98 इसमें कितने डालें तो ये 100 बन जाएगा, 2 करें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 84 में कितना ऐड करें तो 100 हो जाएगा, 84 में हम 16 ऐड करें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन का तरीका भी कहलाता है। इस तरफ से हम क्या करेंगे, ये डायगनली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और वर्टिकली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई डायगनली सब्ट्रैक्शन करेंगे और वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए, 98 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है बाकी आपके पास, 8 में से 6 बाकी 2, और 9 में से 1 निकालेंगे तो बाकी आपके पास रह गया 8, ठीक है, 82 आ जाएगा। 98 minus 16 82, और दूसरा 84 और 2, इनको निकाल के देखेंगे तो वो भी आपके पास 82 ही आएगा। 84 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो भी आपके पास 82 आ जाएगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन इधर से इधर कर लें या इधर से इधर कर लें, दोनों तरफ से सेम आएगी। और इस तरफ सामने क्या करना है, अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई करना है। 2 times 16 ये क्या आ जाएगा आपके पास 32, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8232, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से 98 को मल्टीप्लाई कर लें 84 से, आपके पास 8232 आएगा। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39, और 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 9 8 जा 72 और 6 78, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 9 और 4 13, 1 कैरी, और 8 और 4 12, 2 1 कैरी, और ये 8। तो देख लीजिए 8 2 3 2, और इधर भी 8 2 3 2। एक ये है, एक और तरीका जिसमें अगर आपके पास कैरी आ जाता है, सपोज इसमें तो आप कहेंगे कि इसमें कैरी नहीं आया, अब अगर इसमें कैरी हम लेते हैं, लाइक नंबर हमारे पास है 1 90, और इसमें हम कितना ऐड करें तो ये 100 बनेगा, 10, और दूसरा हमारे पास क्या है 78, इसमें कितना ऐड करें तो हमारे पास बनेगा 100, इसमें अगर हम 22 ऐड करें तो 100 बनेगा। अब इसको इधर से देख लें और इधर से देख लें, दोनों तरफ 90 minus 22 कितना बनेगा, 90 minus 22, और 78 minus 10 68, और 90 minus 22 भी 68 बनता है दोनों तरफ से, ठीक है। और इस तरफ से तो हमने कर दिया इनको, ये 68 आ गया। इधर से इधर सब्ट्रैक्शन मैंने पहले भी लिखा, पिछले पेज में भी तरीका वही आएगा, इधर से डायगनली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 और 20 कितना होगा, 220। अब इतना लंबा आंसर तो नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, 220 में से 20 तो इधर रहेगा, और ये वाला जो 2 है ये कैरी आ जाएगा, ये 2 इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 68 और 2 कितना होगा 70, और बाकी इधर कितना है 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 7020, ये आपके पास आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, 90 times 78, 800, 9 8 72,
और 707, 96 97 63 यह आएगा 0 2 7 3 10 0 और 1 कैरी 6 और 1 7 तो ये आएगा अगेन 7020. अब ये दोनों आंसर्स देख ले मैच कर गए. तो अब ये वाला आ गया जब हमने कोई कैरी लेना है और ये वाला तरीका हो गया जिसमें हमने बगैर कैरी के सॉल्व किया. तो ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी मेथड. आप इसको देखिए और कैलकुलेटर के बगैर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके.